Hi friends, welcome to our new video of e-learning for all. So today we will start our new course, that is phrasal verb. So friends, हमारा phrasal verb को आज से हम start करेंगे. So मैं आपको एक phrasal verb, मैं आपको एक English में एक word बताऊँगा, then फिर हम उसको उर्दू में उसकी meaning को देखेंगे. So आइए चलते हैं friends, आज के हमारे content की तरफ. So number one phrase हम लिखते हैं abide by. Abide by. इसके उर्दू में मीनिंग है पाबंदी करना. Abide by. नंबर सेकंड, abound with. इसकी मीनिंग है बेताब होना. बेताब. बे है ते अलिफ ता बे. बेताब होना. नंबर थ्री, abstain from. ABSTAIN. abstain from. इसकी मीनिंग है परहेज करना. abstain from मतलब परहेज करना. नंबर फोर, abstract from. इसका मतलब है निकालना. abstract from मतलब निकालना. नंबर फाइव, accuse of. इसकी मीनिंग है इल्ज़ाम लगाना. एक्यूज ऑफ मतलब इल्ज़ाम लगाना. एक्ट फॉर, इसका मतलब है किसी तरफ से बोलना या किसी की तरफ से बोलना. एक्ट फॉर. नंबर सेवन, एक्ट अपॉन. इसकी मीनिंग है अमल करना. एक्ट अपॉन मतलब अमल करना. नंबर एट, सॉरी, एडमिट ऑफ. इसका मतलब है कि गुंजाइश होना, यानी कि गुंजाइश होना, कि गुंजाइश होना, इसका मीनिंग है. इसके बाद नंबर नाइन, एग्री टू. इसकी मीनिंग है शख्स के साथ रजामंद होना. एग्री टू रजामंद होना. नंबर टेन, एग्री विथ. इसकी मीनिंग है बात से मुत्तफिक होना, यानी किसी की बात से मुत्तफिक होना. ठीक है फ्रेंड्स, एम एट. इसकी मीनिंग है निशाना बांधना, यानी कि निशाना, नून शीन अलिफ शाह नून है, निशाना बांधना. एम एच. नंबर ट्वेल्व, अलाइट फ्रॉम. इसकी मीनिंग है उतरना. अलिफ तेरे नून अलिफ उतरना. अलाइट फ्रॉम. आंसर फॉर. इसकी मीनिंग है जवाबदेह होना. आंसर फॉर जवाबदेह होना. अपोलोजाइज टू. LOGIZE. अपोलोजाइज टू. इसकी मीनिंग है किसी से माजरत करना. अपोलोजाइज टू किसी से माजरत करना. अप्लाई टू. इसकी मीनिंग है किसी को दरख्वास्त देना. अप्लाई टू किसी को दरख्वास्त देना. नंबर सिक्स, अप्लाई फॉर. इसकी मीनिंग है दरख्वास्त देना, यानी कि अप्लाई टू का मतलब जो हम लोगों ने इसके ऊपर देखा था वो था किसी को दरख्वास्त देना, और अप्लाई फॉर दरख्वास्त देना. नंबर सेवन, अप्रूव ऑफ. इसकी मीनिंग है पसंद करना. अप्रूव ऑफ यानी कि पसंद करना. नंबर एटीन, आर्ग्यू विथ. इसकी मीनिंग है किसी से बहस करना. आर्ग्यू विथ किसी से बहस करना. आस्क अबाउट.
आस्क अबाउट, इसकी मीनिंग है किसी चीज़ के बारे में। आस्क अबाउट किसी चीज़ के बारे में। नंबर 20, बेयर अप। बेयर अप इसकी मीनिंग है बर्दाश्त करना। बेयर अप मतलब बर्दाश्त करना। नंबर 21, बेयर अपॉन। बेयर अपॉन इसकी मीनिंग है से ताल्लुक़ रखना। बेयर अपॉन से ताल्लुक़ रखना। नंबर 22, बेयर विथ। बेयर विथ इसकी मीनिंग है बर्दाश्त करना। बेयर विथ मतलब बर्दाश्त करना। बीट अबाउट। बीट अबाउट इसकी मीनिंग है तलाश करना। बीट अबाउट मतलब तलाश करना। बीट अगेंस्ट। बीट अगेंस्ट इसके मतलब है के साथ ठुकराना। बीट अगेंस्ट मतलब के साथ ठुकराना। एंड बीट डाउन। बीट डाउन मतलब मोते या मते करना। बीट डाउन मतलब मते मीम तो ये आइन मते करना। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का कॉन्टेंट। हमने आज फ्रेजल वर्ब्स को देखा एंड 25 फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने सीख डिफाइन किए डिफरेंट डिफरेंट। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।